प्रेरणा प्राप्ति तुष्टेर मुहुर मुहु त्वमे कश्चित् त्वमे कश्चेतन शुद्ध जडम विश्वमसत्तथा अविद्यापि न किंचित् साहा का बुभुत्सा तथापि ते राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संस्कृत्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि अलमर्थेन कामेन संस्कृतेनापि कर्मणा एभयः संसकान्तारः न विशान्ता भूतन मनः कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुःखमायासदं कर्म तदद्याप्युमरम्मताम्। हरिओम। अष्टावक्र गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 5 से शुरू करेंगे। अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 5 से आज हम शुरू करेंगे। वैराग्य की बात चल रही है, डिटैचमेंट की बात चल रही है। बात चल रही है जो भी हो रहा है उसको साक्षी की तरह देखते जाओ, जो हो रहा है उसको विटनेस की तरह देखते जाओ। लेकिन ये जो चंद श्लोक है 10वें अध्याय के, ये निगेशन और एसर्शन पे बात करते हैं। अध्यात्म का एक बड़ा पहलू है निगेशन और एसर्शन। सबसे पहले आपको निगेट करना है। क्या निगेट करना है? जो अनरियल है, और एसर्ट करना है जो रियल है। आई एम नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड, नॉट द इंटेलेक्ट, ये निगेशन है। मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, ये निगेट करते हो, आप हटाते हो। आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस इज द एसर्शन, इसको आप एक विचार लेते हो। तो शास्त्रों में दो चीजें हमेशा की जाती है, निगेशन और एसर्शन। इसको ऐसे भी किया जाए जैसे आप जब मक्खन निकालते हो दूध में से, दही में से, तो चर्न करते हो, मक्खन को चर्न करते हो, सॉरी दही को चर्न करते हो तो मक्खन निकलता है। ऐसे दिमाग को चर्न करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और उसके लिए कई तरीके, उदाहरण, घटनाएं, एंटीडोट्स देने पड़ते हैं। कभी जोक्स देना पड़ता है, कभी स्टोरी सुनानी पड़ती है, कभी कोई उदाहरण देना पड़ता है, इसलिए ताकि हम ये विचार हमारे जीवन में बसा रहे कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, ये मेरे हैं, मैं नहीं हूं। जैसे मैंने शुरू की क्लास में बताया था, आप पूना में हो, आप पूना नहीं हो। ट्रेन चल रही है पूना से बॉम्बे, ट्रेन चल रही है पूना से बॉम्बे, आप पूना स्टेशन में बैठ, पूना स्टेशन में ट्रेन में बैठ गए, और जब आप ट्रेन में बैठ गए पूना स्टेशन में और आपको फोन आता है तो आप कहते हो मैं पूना में हूं। आप ये तो नहीं कहते मैं पूना हूं। ट्रेन चली, आगे चली, नेक्स्ट स्टेशन आया लोनावला। अब जब लोनावला स्टेशन आया, अब आपको फिर फोन आया तो आप कहते हो मैं लोनावला में हूं। आप ये तो नहीं कहते मैं लोनावला हूं। एंड फाइनली व्हेन द ट्रेन रीचेस मुंबई, तब आप कहते हो मैं मुंबई में हूं, मुंबई नहीं हूं। सिमिलरली आप इस शरीर में हो, आप शरीर नहीं हो। You are the immaculate self. You are the self-effulgent. आप स्वयंभू हो, आप आत्मस्वरूप हो, आप सृष्टि की सबसे श्रेष्ठतम स्थिति हो। आप इस शरीर में हो, आप शरीर नहीं हो। आप पूना में हो, आप पूना नहीं हो। आप लोनावला में हो, लोनावला नहीं हो। आप मुंबई में हो, मुंबई नहीं हो। आप शरीर में हो, मन में हो,
बुद्धि में हो, आप शरीर मन बुद्धि नहीं हो, ये निगेशन है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेट, निगेट करना, एसर्ट क्या करना, अहम ब्रह्मस्मि, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत स्थित, मैं सब भूतों में स्थित आत्मा हूं, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं। इस पे वारम वारम विचार ही साधना और कुछ नहीं। सारी साधना क्या है, इस बात पे बार बार विचार करना, और वो विचार साधना, वो विचार ध्यान है, वो विचार स्वाध्याय है, वो विचार एनालिसिस है, जो नाम दे दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एनालाइज कीजिए, विवेक विचार विमर्श विवेक निरक्ष निरीक्षण जो मर्जी करिए, विश्लेषण कीजिए। और इसी को समझाने के लिए हमारे यहां अलग 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 कहानी किस्से स्टोरीज बताई जाती है। मूल समझिए, मूल है आपको निगेट करना है, जिसको आप सच मान रहे हो उसको निगेट करना है, और जिसको ध्यान नहीं दे रहे वो सत्य है। मैं आपके सामने अपने हाथ में चार कंचे रख लेता हूं, चार कंचे हैं, नीला हरा पीला और लाल, नीला हरा पीला और लाल रंग के चार कंचे हैं। और आपको मैं कहता हूं लाल रंग के कंचों को निकालो, और अनफॉर्चुनेटली यू आर ए कलर ब्लाइंड विद रिलेशन टू रेड, आपको कलर ब्लाइंड है, लाल रंग नजर नहीं आता। मैं आपके सामने चार रंग के कंचे देता हूं, लाल हरा नीला पीला, चार रंग के कंचे देता हूं। अब आप हरा नीला पीला तो नजर आ रहा है, लाल नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आप कलर ब्लाइंड है। और ना लाल रंग के कंचे ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो लाल ढूंढ लो तब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर लाल नजर नहीं आ रहा तो जो दिख रहा है उसको निगेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप हरा नीला पीला कंचे निकालते हो, जो रह जाएगा वो लाल है। सो हम किसको जानते हैं, हम आत्मा को नहीं जानते, हम बॉडी को जानते हैं, माइंड को जानते हैं, इंटेलेक्ट को जानते हैं, सपोज सो। वैसे उसको भी हम पूरी तरह से नहीं जानते, बॉडी को भी हम पूरा कहां जानते हैं, बॉडी के अंदर पैनक्रियास लंग्स किडनी कहां कैसे काम कर रही है, वी डोंट नो, ये जानते हैं बॉडी है। सो बॉडी को हम जानते हैं रिलेटिवली स्पीकिंग, मन को भी, मन के भय को दुख को सुख को जानते हैं, ज्ञान अज्ञान अपमान मान अपमान को जानते हैं। तो ज्ञान अपमान मान अपमान बोध बुद्धि के गुण है, सुख और दुख मन के गुण है, सर्दी गर्मी सर्दी के गुण है। तो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान को निगेट कीजिए, ये जो दिख रहा है इसको हटाइए, एसर्ट क्या कीजिए, अहम निर्विकल्प निराकार रूप चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्प निराकार रूप। तो ये हम बात कर रहे हैं। तो कल मैंने कहानी से विराम लिया था, एक कहानी का एक घटना से विराम लिया था, उसी को आगे लेके चलता हूं। कि सपोज आप ड्राइव कर रहे हो, हाईवे में ड्राइव कर रहे हो, और सामने लिखा हुआ है डोर क्लोज, आगे आगे रास्ता बंद है, ये डिटूर लीजिए, ये इस रास्ते से चलिए, सामने लिखा हुआ पड़ा हुआ है, सामने और आप पढ़ रहे हो लिखा हुआ है आगे रास्ता बंद है, चलो नहीं पढ़ा निकल पड़े, पढ़ा या शायद पढ़ा भी तो सोचा शायद यार खुल गया हो रास्ता, पुराना लिखा हो, बहुत पुराना लिखा हो, पता नहीं जब भी मैं आता हूं ये लिखा होता है, अब चल पड़ते हो। और जैसे चलते हो दूसरे लोग कारों से आ रहे हैं ऑपोजिट साइड से, और आपको कह रहे भैया आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद है। आप यदि थोड़ी सी बुद्धि विवेक होगा तो यू टर्न लेके जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चले जाओगे। उस व्यक्ति को क्या कहोगे जो सामने लिखा हुआ है रास्ता बंद है, और जाते हुए लोग वापस रिटर्न करते हुए लोग जो आगे देख के आ गए हैं रास्ता बंद है, वो कह रहे हैं रास्ता बंद है, और फिर भी हम सोचते हैं शायद खुला हो। दिस इज व्हाट हैपनिंग, शास्त्र लिख के बोल के कह गए हैं कि सेंशुअल हैप्पीनेस, सेंशुअल वर्ल्ड में हैप्पीनेस नहीं है,
वर्ल्ड में बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में हैप्पीनेस नहीं है, बॉडी में हैप्पीनेस नहीं है, मन में सुख नहीं है, बुद्धि में सुख नहीं है, ये दुख दुख से भरा पड़ा संसार है। तो शरीर मन बुद्धि में सुख नहीं है, ये शास्त्रों ने लिखा हुआ है, रोड क्लोज्ड। और जो ब्रह्मज्ञानी अनुभव करके आ गए हैं, ब्रह्मज्ञानी अनुभव करके वापिस आ रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि आगे सुख नहीं है, आगे सुख नहीं है, अध्यात्म के रास्ते पे चलो सुख है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं हम? एनानू कुछ नहीं पता, सानू पता, जाके चले जाओ, फिर जाके चले जाओ, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद आपको नॉट वर्थ इट है, नहीं, बंद है रास्ता। और फिर आके लोगों को ज्ञान झाड़ोगे, आपको आगे कुछ सुख नहीं है, संसार में कुछ सुख नहीं है। तो जब पहले 20 साल 30 साल की उम्र में आपको बताया गया था, तब क्यों नहीं रास्ता बदला? फिर क्यों नहीं रास्ता बदला? फिर क्यों चले गए 30 साल वेस्ट करके, 30 किलोमीटर आगे जाके रास्ता टर्न लेके आ रहे हो? स्पेशली वेस्टर्न हाईवेज में आप एक डिटूर गलत ले लो, अमेरिकन हाईवेज में एक डिटूर गलत ले लो, एक और गलत रोड ले लो, अगले 20 किलोमीटर तक यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू हैव जस्ट फॉलो इट, देन यू टेक अ डिटूर। तो शुभम शीघ्रम अस्ति, जो शुभ है उसको शीघ्र कर दो। और शास्त्र हमें बता रहे, समझा रहे, अलग अलग कहानियों से बताते हैं, स्टोरी से बताते हैं, घटनाओं से बताते हैं, पर ये दिल है कि मानता नहीं, ये दिल है कि मानता नहीं, सोचता है शायद सेंस ऑब्जेक्ट में सुख हो जाए, शायद सेंस ऑब्जेक्ट में सुख मिल जाए। ट्राई कर लीजिए, 20 साल बाद 30 साल बाद फिर आप प्रवचन देने शुरू कर दोगे लोगों को कि यार कुछ सुख नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट डिटूरिंग योरसेल्फ। तो चलते हैं आज हम उस अध्यात्म के सफर पे जिसे अष्टवक्र गीता कहते हैं। तो पांचवां श्लोक करते हैं आज हम, अष्टवक्र गीता के 10वें अध्याय का 5वां श्लोक करते हैं और उसको आगे चर्चा करेंगे क्या कहता है। श्लोक नंबर 5, अध्याय नंबर 10। त्वमेकश्चेतन शुद्धः जडं विश्वमसत्तथा अविद्यापि न किंचित् साहा ना बुभुत्सा तथापि ते। त्वमेकश्चेतनः शुद्धः जडं विश्वमसत्तथा अविद्यापि न किंचित् साहा का बुभुत्सा तथापि ते। यू आर वन विदाउट अ सेकंड, conscious and pure, and this world is non-conscious and illusory. You don't have a trace of ignorance and desire to know. कहते हैं अष्टावक्र श्लोक नंबर 5 में, तुम एक अद्वितीय चेतन और शुद्ध हो, तथा ये विश्व अचेतन और असत्य है। You are the pure consciousness, you are the immaculate one. आप ब्रह्म हो, आत्म हो, अद्वितीय हो, आपके सिवा दुनिया में कुछ और है नहीं, तुम में अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है, और कुछ जानने की इच्छा नहीं है। जब ये समझ आ गई, जब समझ आ गई कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, फिर क्या जानने की जरूरत है, फिर क्या पढ़ने की जरूरत है, फिर क्या देखने की जरूरत है, फिर क्या सुनने की जरूरत है? जब आ गई समझ, तो फिर अब और क्या जरूरत है? ये इंटेलेक्चुअल ग्लटनी भी खत्म हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ जैसे फिजिकल ग्लटनी है ना, खाना खाने की ग्लटनी है, वो तो चलो लोगों को बुरी लगती है, लेकिन सबसे कई लोगों को है इंटेलेक्चुअल ग्लटनी है, ये भी पढ़ लू, ये भी पढ़ लू, ये भी पढ़ लू। ज्यादातर लोग तो इंटेलेक्चुअल जर्नी में आते नहीं, और जो आते हैं वो इंटेलेक्चुअल ग्लटनी में फंस जाते हैं। और लोग क्योंकि तारीफें करते हैं तो उसकी चर्चा होती है। अब देखिए, ये टेलीविजन में इंटरव्यूज दे रहे होते हैं प्रेस रिपोर्टर्स और ये प्रेस वाले, और
कई लोग इनके पीछे किताबें 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 पड़ी हैं। Now, I'm not saying कि they are not read it. कितनी पढ़ लोगे किताब यार, कितनी पढ़ोगे, कितनी। सो फिजिकल ग्लटनी अर्थात ज्यादा कोई खाना खाता हो तो उसको पेटू बोलते हैं, ज्यादा खाना खाता हो उसको पेटू बोलते हैं। जो किताबी कीड़ा हो उसको ज्ञानी बोल देते हैं। वाह रे वाह, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ए इंटेलेक्चुअल ग्लटनी। आई नो पीपल मोटे मोटे नॉवल को 2 घंटे में खत्म कर देते थे, कर्नल जीत गुलशन नंदा के नॉवल जब हम छोटे थे, बाथरूम में टैल सब जगह बैठे लोग, बड़ा पड़ाकू है जी, बड़ा पड़ाकू। कुछ पड़ाकू नहीं है, वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जा रहा है, रियलिटी से अलग हट रहा वो। So, यदि वो गुलशन नंदा या कर्नल रंजीत या जेम्स हेडली चेस के नॉवल पढ़े जा रहा वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल ग्लटनी है। लेकिन खाना जब जो कोई ज्यादा खाए तो उसको कह देते पेटू, लेकिन जो किताबें ज्यादा पढ़े उसको कह देते हैं बड़ा ज्ञानी है, इसकी तो लाइब्रेरी कितनी बड़ी है। कुछ नहीं रखा इंटेलेक्चुअल जार्गन में, तभी अष्टावक्र कहते हैं अब और पढ़ने से क्या। इसका मतलब यह नहीं है कि जो आप पढ़ना बंद कर दो, प्लीज। मतलब यह है एक नुक्ते विच गल मुकती है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल जार्गन भी आदमी को ईगो ले आता है। बहुत लोगों को मैंने अनुभव किया, बहुत अनुभव किया लाइफ में, शब्दों की बाल की खाल उतारने लग जाते हैं शब्द। वो एक आदमी आया गीता जी आप पढ़ाते हो, मैंने कहा हाँ। अब अच्छा गीता जी बैकवर्ड फॉरवर्ड चैंट कर सकते हो, पहले 18वें अध्याय का 78वां श्लोक फिर 77वां। मैंने कहा मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं चैंट कर सकता था, बैकवर्ड फॉरवर्ड। कहता आप गीता पढ़ाते हो आपको इतनी चैंटिंग आती। मैंने कहा मैं श्लोक पता, लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि 10वें अध्याय का 12वां श्लोक कौन सा, तो आई डोंट नो। लेकिन इंटेलेक्चुअल जार्गन में लोग मेमोरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो यहां अष्टावक्र कहते हैं Once you understand, सब एक ही बात बोलते हैं। बुल्ले शाह की कहानी आती है कि उन्होंने बहुत किताबें रखी थी, फेंक दी, सारी फेंक दी। तो लोगों ने पूछा इतनी किताबें क्यों फेंक दी, कहते जब ज्ञान नहीं सा सही नहीं सी सा ते गल नहीं कर दी सी, हुन मेरे नाल गल करन लगी है। मीनिंग अब मुझे समझ आ गई है, अब जब समझ आ गई तो मुझे सारी पढ़ने की क्या जरूरत है। इसलिए पूरी की पूरी गीता एकेडमी में हम सिर्फ एक ही पुस्तक पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, दैट्स ऑल। वेदांत ट्रीटर साइड में है, लेकिन मेन है आप उपनिषद पढ़ाओगे, आप अष्टावक्र गीता पढ़ाओगे, आप योग वशिष्ठ पढ़ाओगे, आप चांडोग्य उपनिषद पढ़ाओगे, आप मुंडका पढ़ाओगे। नहीं पढ़ाऊंगा क्यों, क्योंकि वो भी अहंकार है इंटेलेक्चुअल जार्गन। और फिर वो डायरिया करता, फिर वो अलग अलग प्रॉब्लम करता है। सो हम सब लोग अष्टावक्र कहते हैं क्या और जानने की जरूरत है, एक बार अनुभव आ गया निगेट करो, तू शुद्ध चैतन्य है। अष्टावक्र कहता श्लोक नंबर 5 में, तू एक शुद्ध चैतन्य है, संसार जड़ और चेतन है, जड़ और असत्य है, यह अविद्या भी असत्य है, ये संसार की नॉलेज भी असत्य है, इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा करता है। अब तू क्यों लगा हुआ और ज्यादा इंटेलेक्चुअल ग्लटनी के लिए। आगे श्लोक क्या कहता है, श्लोक नंबर 6 अध्याय नंबर 10। राज्यम सुता कलत्राणी शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। राज्यं सुतः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। In past lives, many times, your kingdoms, children, wives, bodies and comforts have destroyed despite of your attachment to them.
अष्टावक्र कहते हैं पूर्व जन्म से के बहुत बार तुम्हारे राज्य पुत्र स्त्री शरीर सुखों का तुम्हारी आसक्ति होने पर भी नाश हो गया। बहुत अटैचमेंट थी आपको अपने पूर्व जन्म के शरीर की, राज्य के पुत्र की, पुत्रियों की, शरीर की, सुख की, जन्म जन्म की थी, और उसने होने के बाद भी, आसक्ति होने के बाद भी आपके साथ नहीं रही। कितने घर बदले आपने, कितने माँ बाप बदले, कितने बच्चे बदले, कितने पत्नियां बदली, कितने पति बदले, कितने जॉब्स बदली, इतनी आसक्ति हुई आपको उनसे, लेकिन छुड़ गई। अब आप नई पत्नी लेके बैठ गए, नए पति लेके बैठ गए, नए बच्चे लेके बैठ गए, नए मकान लेके बैठ गए। साउंड्स इडियोटिक बट दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट। जन्म जन्म चेंज करते रहते, बदलते रहते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यही कहते हैं अष्टावक्र, कितने जन्मों से तुम जी रहे हो। आसक्ति करी तुमने, किससे करी आसक्ति? राज्य से, पुत्र से, पुत्रियों से, शरीर से, सुख से, दुख से। यहां पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जनक जो थे, जनक सीता माता के पिता है, आप सबको पता है। और जनक की बाकी तीन बेटियां भी दशरथ के परिवार में ही बिहाई गई थी। जनक की ही बाकी तीन, चाहे वो लक्ष्मण की पत्नी हो या शत्रुघ्न की या भरत की। और इतना भयंकर घटना घटी उनकी चारों बेटियों के साथ, यानी कि एक के साथ, उर्मिला के साथ भी था। उर्मिला की तो तपस को बहुत कम लोग जान पाते हैं। उर्मिला का तपस कितना था, सीता माता तो फिर भी लाइमलाइट पे आ गई। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी, वो वनवास में नहीं गई साथ में, उन्होंने घर पे रही वो। और ये चारों बेटियां जनक की हैं। और कहानी आती है जब जनक जानकी का और सब बेटियों का विवाह हुआ और विदाई हुई तो जनक रोए। ब्रह्म निष्ठ व्यक्ति, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, विदेही। देखिए जो मर्यादा है वो तो मर्यादा, तो मर्यादा है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। आपका प्रेम है पत्नी से, आपका प्रेम है मां से, आपका प्रेम है बेटी से, आपका प्रेम है बहन से, आपका प्रेम है स्टूडेंट से, हर किसी से आपका सम प्रेम भाव है, लेकिन मर्यादा अलग है। मर्यादा का भाव से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। आपका प्रेम भाव मां से भी है, बेटी से भी है, पत्नी से भी है, बहन से भी है, लेकिन व्यवहार आपका अलग है। तो व्यवहार आपका यदि कहता है कि बेटी की विदा हुई है, तो आपका व्यवहार कहता है कि आपको लोग समाज की स्थिति को देखते हुए, ये नहीं कि आप नाटक करो, एक शुरू करो, लेकिन इंटरनली विदेही। तो यहां अष्टावक्र कह रहे तेरी कितनी बेटियां आई, तेरा कितने पुत्र, तेरा कितनी बेटी हुई, पुत्रियां हुई, शरीर हुए, सुख हुए, जन्म हुए, सब क्या हो गए? अनासक्त हो गए। हमारे शास्त्रों में इसी को समझाने के लिए, ज्ञान को समझाने के लिए स्टोरीज इन स्टोरीज इन स्टोरीज दी गई। एक असुर था जिसका नाम रक्त बीज नाम करके एक असुर था। जहां बूंद गिरती थी उसके रक्त की, वहां से असुर और पैदा हो जाते थे। तो देवता सब परेशान हो गए, रक्त बीज से उसे मारे, उसका सर काटे तो बंद सर से खून निकले और रक्त बीज पैदा हो जाए। तो सारे देवता, देवी देवता ट्राई करा, कुछ नहीं हो पाया। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपनी सारी शक्तियां मां दुर्गा को दी। मां दुर्गा को जब शक्ति प्रदान करी तो मां दुर्गा ने भयंकर रूप लेके पूरे के पूरे रक्त बीज को अपने मुंह के अंदर से, उसका एक खून का दाना भी निकलना नहीं दिया, और उस रक्त बीज रूपी राक्षस को अपने अंदर निकल गया। और फिर भयंकर हो गई, सारी सृष्टि का निहार करने लगी।
अपने क्रूर रूप में आई दुर्गा। और आप कहीं जगह देखेंगे कि दुर्गा के पांव, दुर्गा मैया के पांव के नीचे शिवजी लेटे हुए हैं, दुर्गा मैया के पांव के नीचे, चरणों नीचे ऐसे खड़ी हुई है दुर्गा शिवजी के ऊपर, जानबूझ के शिवजी। जब दुर्गा भयंकर हो गई तो शिवजी जाके उसके पांव के नीचे रह गए, और दुर्गा को, दुर्गा मैया को पता नहीं चला। उन्होंने जब से ऐसे पांव में शिवजी देखे, उनको अवेयरनेस आ गई, अवेयरनेस आ गई, फिर वो सौम्य रूप में आई। नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग द स्टोरी, हमारी डिजायर रक्त बीज है, ये सिंबॉलिज्म है जी, हमारी डिजायर रक्त बीज है। और रक्त बीज क्या करता है, एक डिजायर खत्म होती है 50 क्रिएट हो जाती है। ये रक्त बीज कुछ नहीं है, एक डिजायर आप क्रिएट डिस्ट्रॉय होती है वो 50 नहीं क्रिएट करती है। आपकी एक डिजायर है मकान बनाने की, मकान अलॉट हो गया, मकान मिल गया। अब जैसे ही एक रक्त बीज जमीन पे पड़ा, 50,000 और डिजायर आ गई, 50,000 और डिजायर्स आ गई, सोफा चाहिए, कटर चाहिए, कटलरी चाहिए, मकान। एक रक्त बीज ने 100 और डिजायर क्रिएट कर दी, और उससे भी खत्म नहीं होता, चलता रहता है, चलता है। तो दुर्गा मीन्स नॉलेज, और ये भयंकर, आपको संकल्प स्ट्रांग लेना पड़ेगा। कैजुअली नहीं डिजायर जा सकती, प्लीज, ये आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, नो, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड determined to get rid of your desire. You need to be very strong and committed to exhaust. You have to take a strong view of your life. As a casually desire nahi ja sakte, rakt bij dobara paida ho jayenge. So Brahma, Vishnu, Mahesh, Devata bhi is desire rupi rakt bij ko harane mein saksham nahi hue. And when tino shastron ka gyan, Brahma, Vishnu, Mahesh ka gyan mila, तब आदमी अपने इस रक्त बीज को दुर्गा स्वरूप रूप में, ज्ञान रूप में इसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन उसमें भी अहंकार ना आए तो नॉलेज आपको क्या करती है, हम्बल बना देती है। शिव जी के जैसे चरण पड़े तो एकदम दुर्गा शांत होगी। तो अहंकार ज्ञान का भी क्या हो सकता है, अहंकार हो सकता है। तो अलग अलग स्टोरीज हैं आपको मुझको समझाने के लिए कि कितने घर बदलोगे, कितने माँ बाप बदलोगे, कितने पति बदलोगे, कितने पत्नियां बदलोगे, कितने बच्चे बदलोगे, कितने मकान बदलोगे, कितने जॉब बदलोगे, कितने शरीर बदलोगे, कितने घर वाले बदलोगे, कितने पड़ोसी बदलोगे, कितने शहर बदलोगे, कितने देश बदलोगे। ये कर रहे हैं, साउंड स्टूपिड बट दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इफ यू बिलीव इन हिंदू थियोलॉजी। यदि आप हिंदू थियोलॉजी को मानते हो, हिंदू फिलॉसफी को मानते हो, हिंदू धर्म की मूल ज्ञान को मानते हो, तो वो यही है, रक्त बीज को खत्म करो, ये डिजायर को खत्म करो, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्रव्यूह में बदलो, नहीं तो संसार इतना कैजुअल अप्रोच से संसार ठीक नहीं होने वाला। कैजुअल अप्रोच से लाइफ को इज नॉट गोइंग टू गेट सेटल। सो यहां पर अर्थ धर्म काम को भी छोड़ने की बात करी जा रही है। श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7, अध्याय नंबर 7 कामेन सुकृते नापि कर्मणा एभ्यस् संसार कांतारः न वृषान्तम भून्मनः अलमर्थेन कामेन सुकृते नापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारः न वृषान्तम भून्मनः। Any amount of wealth, desires and good deeds will not result in peace from this world of illusion. पर्याप्त धन, इच्छाएं और शुभ कर्मों द्वारा भी
इस संसार रूपी माया से मन को शांति नहीं मिली। श्लोक नंबर 7 अध्याय नंबर 10 अष्टावक्र कहते हैं, अर्थ काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, बहुत कर, बहुत अर्थ प्राप्त कर लिया, इससे भी संसार रूपी जंगल में मन शांति को प्राप्त नहीं होता, नहीं हो सकता। आज से 40 साल पहले जब आप रिटायर नहीं थे, जब आप जॉब करना शुरू किया था, आपकी तनख्वाह थी 350 रुपए सपोज, जो लोग रिटायर्ड हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, 500 रुपए डिजायर थे। जब आपने 40 साल पहले जॉब करी थी तो आपकी तनख्वाह थी 300 या 400 रुपए जो भी। उस समय यदि आपको बोलता कि आपको रिटायरमेंट में 1 करोड़ रुपया मिलेगा, उस समय कोई आपको बोलता कि आपकी पेंशन होगी 80,000 रुपया या 1,00,000 रुपया, आप जोर से ठहाके मार के हंसते, यार तू क्या कह रहे हो, ये होश में हो कि नहीं हो। 300 रुपए की जब आपकी तनख्वाह थी, इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम यू नेवर इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू हैव ए सैलरी और ए पेंशन ऑफ 100,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए। आई एम जस्ट टेकिंग ए सैंपल, 70,000 हो, 80,000 हो, जस्ट अ प्रोपोर्शन। You never imagine a life कि आज जो आपके पास है 30 साल, 50 साल, 60 साल पहले। By the same token, you can't even fathom कि आज से 30 साल बाद life कैसे turn कर पाएगी। But इतना धन इकट्ठा करने के बाद, इतनी सुख सुविधाएं करने के बाद, इतनी रिश्तेदारियां निभाने और समझाने के बाद, इतना प्रपंच करने के बाद, इतनी किताबें पढ़ने के बाद, इतना खाना खाने के बाद सुख मिला? प्लीज समझिए, अनुभव से सुख नहीं मिलता, अनुभव से डिजायर खत्म नहीं होती, अनुभव से डिजायर एलिमिनेट नहीं होती। उसका सिंपल उदाहरण है, बचपन से लेके आज तक आपने कितनी चाय पी, हर रोज 3 कप 2 कप हिसाब से लगा लीजिए तो 50 साल है, 1 साल में 300 दिन एवरेज लगा के लीजिए, 300 का मतलब है आपने 700 कप 1 साल में पी का मतलब है 50 साल में आपने 350,000 के करीब या 35,000 कप पी लिए, आई डोंट नो हाउ मच। इतनी चाय पीने के बाद क्या आज आपकी चाय की इच्छा खत्म हो गई? So don't even think कि अनुभव से इच्छाएं खत्म हो जाएगी ना। Let me go through experience and I want to exhaust my desire through experience. Don't even try that. थोड़ी बहुत हो जाती है लेकिन उसके बाद फिर वो नाक खड़ा हो जाता है, रक्त बीच है दोबारा फिर आ जाता है। अर्थ धर्म काम से is not an antidote of self-realization. Antidote नहीं है। जैसे सुगंध अंधेरे को दूर नहीं कर सकती, मैं परफ्यूम छिड़क दूं अंधेरा दूर हो जाए, नहीं होगा। मैं सोचू मैं तबला बजा दूं अंधेरा दूर हो जाए, नहीं होगा। मैं सोचू कि मैं परफ्यूम से या तबले बजाने से अंधेरा दूर होगा जब रोशनी आएगी। तो अर्थ धर्म काम स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए एंटीडोट नहीं, कंड्यूसिव हो सकते हैं। तो कितना कितना कमा लोगे आप, कितना कर लोगे, जरूरत कितनी है हिसाब लगा के देख लीजिए आप। यदि आप 70 साल के हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 70 साल के हो तो आपकी जरूरत कितनी है, आपकी 60 साल के हो अगले 20 साल के लिए कितनी जरूरत है? I'm not going through mathematics. I can go through it. हिसाब लगा के मैं बता सकता हूं। यदि आज यदि आप 60 साल के हो, आज यदि आप जीवन भर कोई नई साड़ी भी ना लो, नई कपड़े भी ना लो, तब भी आपके पास इतने कपड़े हैं कि आप पूरी जिंदगी गुजारा कर सकते हो। आज आपके पास इतनी साड़ियां हैं कि आप उम्र भर कर सकते हो। आज आपके पास इतने कपड़े हैं।
So don't give me this rubbish ki sense object is going to give you more happiness. No way. तीस साल पहले होते तो बात अलग थी यार, किसी की एज की अलग अलग बात. और बच्चे, इमोशन, फैमिली, सारे दुख का मूल बिंदु तो वहीं से शुरू होता है. वर्ल्डली नॉलेज भूल भी जाते हैं लोग. सो अर्थ धर्म काम एंटीडोट नहीं है. परफ्यूम परफ्यूम से अंधेरा नहीं जाएगा, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से, संसारिक ज्ञान से भी नहीं, ब्रह्म ज्ञान से अंधेरा जाएगा. और आखिरी में एक श्लोक करते हैं, श्लोक नंबर 8, अध्याय नंबर 10, श्लोक नंबर 8, आखिरी में एक श्लोक करते हैं, एंड देन आई विल कंक्लूड इट. कृतम न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुख मायासदं कर्म तदद्याप्युपरम्यताम्. कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुख मायासदं कर्म तदद्याप्युपरम्यताम्. In how many lives have you not taken pain in performing various activities with body, mind, and speech? Now be non-attached. कितने जन्मों में शरीर, मन और वाणी से दुखों के कारण कर्मों को तुमने नहीं किया, अब उन सब से उपरुक्त विरक्त हो जा. मैं इसके सिंपल अनुवाद में बताता हूं आपको. कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी से दुख पूर्ण, श्रम पूर्ण कर्म नहीं किया? कितने कर्म किए, कितनी एफर्ट किए? अब तो आराम कर, अब तो शांति प्राप्त कर. कितने जन्मों से, कितनी शादियां अटेंड करी आपने पिछले कई जन्मों से, कितने क्रियाएं अटेंड करी, कितनी जॉब, कितने बार ऑफिस गए, कितनी बार आप स्कूल गए? क्योंकि तो मन करता है यार ये क्या है, आई रियली डोंट वांट टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड. आप आना चाहते हो तो आपकी मर्जी, मेरा तो बिल्कुल नहीं मन करता वापस आके स्कूल जाने का. सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, फिर दोबारा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ना, फिर नाक निकट चिकट रही है, यहाँ पे रुमाल लटका हुआ है और यहाँ पे लेबल लटका हुआ है, चले जा रहे, एक सॉक्स नीचे है, एक सॉक्स ऊपर है, शूज के लेस बांधने नहीं आ रहे, शूज के लेस बांधने नहीं आते, और एक गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ मार के चले जा रहे हैं, और चले जा रहे हैं. इट्स नॉट वर्थ इट यार. यदि कोई और चीज मुझे परेशान करती है संसार में आना, तो सबसे बड़ा डर लगता है स्कूल जाना है यार, ये स्कूल जाके दोबारा फिर. इट्स नॉट दैट आई वाज अ बैड स्टूडेंट, बट इट्स प्रिजन है, बंधन है, बैठे हुए हैं सारे दिन, 40 बच्चे एक कोठरी पे बैठे, और सजा देते हर छोटी बात पे आपको, छोटे छोटे बच्चे lips on, finger on your lip, और ignorance में पता नहीं क्या क्या दिमाग में डर बिठाया होता था. ignorance इतनी कि क्या डर बिठा देते थे. I remember family में कोई व्यक्ति था, उसने बता दिया कि तेरे पेट में तू संतरा खा रहा है ना, संतरे से बीज तेरे अंदर चला गया, तो तू ना पता क्या होगा, तेरी नाक से संतरा निकलेगा, तेरे कान से संतरा. और मैं डरू, मैं डरू, हाँ मेरे संतरे का बीज निकल गया किसी कारण से. हर चीज में रोक, हर चीज में बंधन, हर चीज में रुकावट. कुछ भी करना, कुछ खड़े भी, यहां क्यों खड़ा, यहां क्यों जा रहा, उसे क्या देख रहा, हर चीज में बंधन. और ये सिर्फ स्कूल की लाइफ में नहीं है, अभी तक चलता है. अभी हम कह देते हैं हमारे पास फ्रीडम है, ऑफ कोर्स फ्रीडम है, कंपेयर टू चाइल्डहुड इज अ मोर फ्रीडम, बट दोबारा फिर जाना सुख नहीं है.
there is no happiness in this world. So only happiness is when you eradicate your desire. Ichha puri ho bhi jayegi, to bhi sukh nahi milega. I'm not a pessimistic, I'm not a negative individual, but humne संसार को ना जरूरत से ज्यादा ब्लैक मार्केट वैल्यू दे दी. इट्स नॉट वर्थ इट. डिजायर जितनी कर लो. दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है. खो जाए तो सोना है. नहीं हो तो दुख, हो तो कदर नहीं. एक ग्रीक कहानी से मैं विराम लेता हूं. बड़ी भयंकर कहानी है, लेकिन हम समझाने के लिए, इट्स नॉट अ हिंदू लिटरेचर से नहीं है, ये ग्रीक लिटरेचर से कहानी है. मैं इसका मॉडर्न अनुवाद कर देता हूं. इसका एक आदमी लॉर्ड मरकरी के पास पहुंचा. जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग गॉड्स हैं, विंड गॉड है, वायु है, जल है, वरुण है, कई गॉड है, अग्नि गॉड है, ऐसे ग्रीक माइथोलॉजीज में भी गॉड्स एंड गॉडेसेस है. एक गॉड्स है एटलस, यदि आपने देखा होगा एटलस साइकिल के ऊपर भी एक आदमी के सर के पीछे पूरा ग्लोब है, एटलस है. मरकरी गॉड है, ट्रेवलर का गॉड है, कई तरह के गॉड्स. तो एक गॉड के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु मैं जो भी इच्छा करूं मेरी पूरी हो जाए, मैं जो भी इच्छा करूं मेरी पूरी हो जाए. मरकरी गॉड ने कहा, नहीं वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो तीन जो भी इच्छा. बड़ी जिद्दबाजी करी, बड़ी तपस्या करी. प्रभु कहते हैं वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ मैं तीन जो भी तू इच्छा करेगा पूरी कर दूंगा, थ्री डिजायर्स तेरी पूरी कर दूंगा. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो पहली डिजायर उन्होंने कहा कि प्रभु, आज के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि प्रभु मुझे $1,000,000 दे दो. $1,000,000, मैं इसको मॉडर्न रेफरेंस दे रहा हूं. नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ. एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन बीते, 10 दिन बाद एक चिट्ठी आई उनके पास. 10 दिन बाद चिट्ठी आई और चिट्ठी में ड्राफ्ट था कि आपका बेटा जो दूर देश में फैक्ट्री में काम करता है, वो मशीन में कुचला गया है और उसके कंपनसेशन में ये आपको $1,000,000 हम देते. गुस्सा भर गया. This is not what I asked. ये मैंने नहीं मांगा था. दूसरी विश कहते हैं कि प्रभु मेरी संतान को वापस भेज. इट्स नॉट अ हिंदू स्टोरी, इट्स अ ग्रीक स्टोरी. मेरी संतान को वापस भेज. एंड शाम का समय था तो पिचकी हुई बॉडी उनके सामने आने लगी. एंड तीसरी विश उन्होंने कहा कि प्रभु इसको ले जा. तीनों विश पूरी होगी. सो डोंट गेट इन टू दिस अपसर्ड आइडिया. इच्छा कभी भी सुख नहीं दे सकती. आप और मैं ब्रह्म ज्ञान लीजिए और इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए. अनुभव से, इच्छाओं से कभी भी सुख नहीं मिलता. आई एम नॉट ए पेसिमिस्टिक, आई एम नॉट ए नेगेटिव इंडिविजुअल, आई एम नॉट ए सिनिक, बट आई एम राइचस रियलिस्टिक पर्सन. एंड इन रियलिटी जितनी इच्छाओं को बांधोगे उतना बंधन ज्यादा है, जितनी इच्छाओं से बंधोगे उतना बंधन ज्यादा है, जितनी इच्छाएं कम करोगे उतने मुक्त ज्यादा. सोचिएगा इस बात पे. ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति.